पंचायत वेब सीरीज का सेकंड सीजन, एटलीस्ट उसका ट्रेलर आ जाता है। मतलब इसका कब से वेट कर रहे थे। सीजन वन काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके अंदर जैसे हमें डायलॉग सुनने को मिले थे, उसके मीम इतने ज्यादा बने भाई साहब, वो तो मतलब फेमस हुए हैं, बहुत वायरल हुए हैं। और इसके सेकंड सीजन का वेट तो पता नहीं जनता कब से ही कर रही है। मुझे जहां तक लगता है मुझे मिर्जापुर से ज्यादा पसंद आई ये सीरीज। मतलब उसके सीजन टू का भी इतना वेट नहीं था मुझे जितना इस पंचायत वेब सीरीज के सेकंड सीजन का वेट है। क्योंकि एक इस सीजन के अंदर आप देख देना तो एक हंसी मजाक, एक स्माइल आपके फेस पे रहती है, एक बहुत प्यारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। टीवीएफ ने कभी हमको निराश किया नहीं है, उन्हीं का हमें ये कंटेंट हम देखने को मिल रहा है इसके ऊपर, अमेजोन प्राइम के ऊपर। तो यहाँ पर इनकी तरफ से तो हम बहुत संतुष्ट होके चलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कंटेंट हमें दिखाएंगे, एक फ्रेश एकदम यूनिक हमें कहानी देखने को मिलती है। और जैसा ट्रेलर देखने को मिला, एक नई कहानी हमें देखने को इसमें फिर से मिल रही है, फिर से कुछ लड़ाई, कुछ प्यार, कुछ नोक झोंक, फिर से किसी के साथ नहीं बननी, ये सब चीज़ें इसमें हमें देखने को जैसे मिली हैं इस ट्रेलर में। 2 मिनट 36 सेकंड का ये ट्रेलर है, और पूरे ट्रेलर के दौरान एक स्माइल रहती है पूरे, मतलब जैसे ये ट्रेलर चल रहा होता है कहीं पर भी बोर नहीं हुए। अब आप सोचोगे कि क्या ट्रेलर में भी बोर हो जाते हैं। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे ट्रेलर आते हैं जिनको मतलब देखें तो बोरियत क्या, मतलब गुस्सा भी आने लग जाता है भाई क्या दिखा रहे हो। तो यहाँ पर इस पूरे ट्रेलर में एक लास्ट में एक डायलॉग जो मैंने सुना, कसम से अब तो इतनी पिएंगे जितनी हम टॉलरेट कर पाए। फिर जैसे उनके रिएक्शन आते हैं भाई, जब उन्होंने जो अपने मुंह में बियर रख रखी होती है मतलब डाल के, तो वैसे बाहर निकलती है, वो काफ़ी ज़्यादा फनी था। फिर जो जितेंद्र कुमार है जो प्ले कर रहे हैं अभिषेक अभिषेक तिवारी या त्रिवेदी मतलब इस करेक्टर को, फिर वो कहते हैं कि पंचायत को प्रधान जी आपने तो एक कभी बारात के रुकने की जगह बना रखी है, कभी हगने की जगह बना रखी है। तो ये वाली जो चीज़ें इसमें सुनने को मिलती है ना, मतलब फुल ऑन फनी लगता है ये ट्रेलर। और एक छोटा मोटा प्यार का एंगल इस बार डाल दिया गया है कि रिंकी नाम की एक लड़की इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। अब देखते हैं कि जो अभिषेक है और रिंकी के बीच में क्या कुछ आगे बनता है या नहीं बनता है, या फिर इसके इसके ऊपर कितना फोकस किया गया है। और फिर से वही अभिषेक अभी इस गांव से निकलना चाहता है, वो एक अलग जॉब पाना चाहता है, वो इसमें आना नहीं चाहता था, बट इसको ये जॉब मिल जाती है जैसे हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। सेकेंड सीजन में भी उसकी यही मशक्कत लगी है कि जैसे तैसे इस गाँव से निकला जाए, इस जॉब को छोड़ा जाए। अभी जो छोड़ नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली। जो एक जो सच में आप हमारे समाज को देखते हैं ना, तो समाज में एक जो सोच बनी हुई है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, और गवर्नमेंट जॉब जब मिल जाती है चाहे वो कैसी भी जॉब हो, बस उसको छोड़ना नहीं है जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती। ऐसा प्रेशराइज किया जाता है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब होनी जरूरी जरूरी है। तो ये वाली जो सीट इसके अंदर देखने को मिलती है ना, हमसे बहुत इससे कनेक्ट हो पाते हैं। और वही सेम अभिषेक यहाँ पर और दूसरी जॉब पाना चाहता है ताकि जिस जॉब में ये है क्यों उससे बाहर निकल सके, उसको यहाँ आना नहीं था। फर्स्ट सीजन से हमें इसको दिखाया जाता है, और एक नई स्टोरी इस सेकंड सीजन में हमें इंट्रोड्यूस की जाती है। अब पूरी रूप से क्या है वो स्टोरी, खैर जब ये वेब सीरीज आएगी तब वहाँ पर बात करेंगे। ट्रेलर तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है, इसमें जो भी डायलॉग हमें सुनने को मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हंसी आई है, और इसका बहुत ज़्यादा वेट था, और दिल गार्डन गार्डन कर दिया ये ट्रेलर जब मैंने देखा है। क्या आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपने अपने विचार लिख देना, आपको कैसा सीजन वन लगा था, मतलब एक बार पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर लेना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।